हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ चिकन चिली विथ ग्रेवी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आप देख सकते होंगे कि बहुत ही टेस्टी बनी है ये चिकन चिली और बहुत ही आसान तरीके से हमने इन्हें बनाया। तो चलिए बनाते हैं। तो चिकन चिली बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चिकन, एक बड़ा प्याज, एक शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन है, हरा प्याज, तो आप उसका भी यूज ज़रूर करें चिकन चिली में। और ये जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, इसे आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे हम बारीक चॉप नहीं करेंगे। इसे हम मिक्सी में डालकर इसका बस एक दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे बिना पानी के। और ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्सी में पिस जाता है, ये देखिए। और बहुत ही कम मेहनत में, क्योंकि चॉप करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसका यूज करके इसे चॉप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। तो इसमें मैंने जो पेस्ट बनाया है अभी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, थोड़ा सा वो डालेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच काले मिर्च पाउडर, और ये जाएगा इसमें नमक स्वाद अनुसार। और इन सब चीजों को हमें मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर और मैदा। तो ये अब इसमें डालेंगे हम लगभग एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और इतना ही लगभग एक चम्मच मैदा। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर, और आप यहाँ पे बिल्कुल ठंडे पानी का यूज करें। इससे होगा क्या कि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो हमारे पीसेज अंदर से बिल्कुल जूसी बनेंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। और आप इसमें दो चम्मच तेल भी डाल दें, जिस तेल में आप चिकन चिली को बनाने वाले हैं, कुकिंग करने वाले हैं। वैसे चाइनीज डिशों में सेसमिक ऑयल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया है और इसे हम आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। तो आधे घंटे हो चुके हैं, हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। तो चलिए हम इसे फ्राई करते हैं अब। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन को गैस पे रख दिया है हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए। और हाई फ्लेम पे गर्म होने के बाद इसका फ्लेम मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है, क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पे ही, लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राई करने के साथ साथ हमें इन्हें पकाना भी है। और ये देखिए, सारे पीसेस को इसी तरह से हमें थोड़ा अलग अलग ही डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपकने लगते हैं। इस तरह से हम दोनों साइड से इसे अलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं फ्राई करके, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए, हमारे चिकन के पीसेस फ्राई हो रहे हैं। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने बाउल में पानी लिया है एक कप। इसमें हम डालेंगे लगभग आधा चम्मच सिरका, बहुत ही थोड़ा सा, और ढेर सारा सोया सॉस लगभग दो चम्मच, और ये जाएगा इसमें एक चम्मच टोमेटो केचप, और ये है कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च एक चम्मच भर के, और ये मैंने डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अगर आपके पास चिली सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो बिना चिली सॉस के भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। और ये मैंने डाल दिया इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और ये स्वाद अनुसार नमक। और इन सब चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। आप ध्यान से नमक डालें, क्योंकि थोड़ा सा नमक हम सब्जियों के साथ भी डालेंगे, प्याज और शिमला मिर्च के साथ भी। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए, हमारे चिकन बॉल्स भी फ्राई हो चुके हैं, चिकन नगेट्स, और बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं, बहुत ही बढ़िया हुए हैं। आप इन्हें ऐसे भी खाकर देख सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यमी लगते हैं।
देखो बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। इन्हें आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। अब इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे चिकन नगेट्स को फ्राई कर लिया है। अब सेम उसी पैन में जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने उसे निकाल लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट जिसे मैंने मिक्सी में बनाया है। और आप देख सकते हैं जैसे ये कढ़ाई में गया बिल्कुल ऐसा लग रहा हो जैसे इसे हमने बारीक चॉप किया है। ये बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये कि आप मिक्सी में भी इस तरह से चॉप कर सकते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च को चाइनीज डिशेस के लिए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज को हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और उसके पंखुड़ियों को अलग कर लिया है। और एक शिमला मिर्च जिसे भी हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है स्क्वायर शेप में। तो आप इसी तरह से सब्जियां काटें जब भी आप चिकन चिली बनाएं, चिकन चिली या पनीर चिली इस टाइप की डिशेज के लिए सब्जियों को इसी तरह से हम काटते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक और इसे हमें हाई फ्लेम पे भुनना है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई रखा है। ऐसे बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं भुनूंगी। और ये जो अब हमने ग्रेवी तैयार की है इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि हमें सब्जियों का कलर और उसका क्रंचीपन ऐसे ही रखना है, उसमें उसे हमें पूरा पकाना नहीं है। तो ये देखिए जब आपकी ग्रेवी थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी लगने लगे, थोड़ी चमकदार सी लगने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपकी ग्रेवी पक चुकी है। तो हमारी ग्रेवी में बढ़िया सा उबाल आ चुका है और आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसे थोड़ा सा उबाल लें। और यहाँ पे मैंने अब ऐड कर दिया है अपने चिकन नगेट्स और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन है तो आपके उसकी पत्तियाँ इसमें बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आता है उससे भी, क्योंकि चाइनीज डिशेज में स्प्रिंग ऑनियन हम ज़रूर यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है हल्का सा हरा धनिया और इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन चिली में। आप थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने फ्लेम को अब बंद कर दिया और हमारा चिकन चिली रेस्टोरेंट स्टाइल विथ ग्रेवी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। चलिए सर्व करते हैं इसे प्लेट में। और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे चाउमीन, फ्राइड राइस किसी भी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और एक सीक्रेट बताओ, हमारे यहाँ तो इसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं लोग बहुत ही पसंद के साथ, बहुत ही खुश होकर। और बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स, बहुत ही यमी बना था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय।